हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो यह वीडियोस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड है। इनसे कुछ रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं जिसे महात्मा गांधी ने लिखे हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी के लाइफ पीरियड है 1869 से 1948। महात्मा गांधी को लोग बापू या द फादर ऑफ द नेशन के रूप में जानते हैं और इन्होंने स्पिरिचुअल लीडर के रूप में पॉलिटिक्स में काम किए। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस शब्द का यूज जो है ब्रिटिश के खिलाफ यूज क्या करते थे, एक वेपन्स के रूप में। और इनका मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं My Experiment with Truth। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा यंग के लिए जिसका नाम है यंग इंडिया। अब इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉप मोस्ट MCQ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग इसे अंत तक देखें। महात्मा गांधी क्या लिखे हैं? द आर्टिस्ट, भारत इज माई होम, द अर्थ या नन, इनमें से कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन। तो महात्मा गांधी क्या लिखे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे हैं, तो इनमें ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटेन बाय, किसने लिखा है? नेताजी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जाकिर हुसैन, तो कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण गए थे कब? 1915, 1916, 1917, 1918, तो इनमें से कौन से होंगे? 1917 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी वाज अ डैश, महात्मा गांधी क्या थे? पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर या स्पिरिचुअल लीडर, तो कौन से थे? स्पिरिचुअल लीडर थे महात्मा गांधी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज से कौन संतुष्ट थे? आवर एंसेस्टर, इटालियन, जर्मन, रोमन्स, इस स्टोरी की कहानी बात है ये, तो आवर एंसेस्टर रहा करते थे स्मॉल विलेज में, वो सेटिस्फाइड। तो फेरोज मीन्स क्या होते हैं? रूसिया, ग्रीस, इंडिया या इजिप्ट, क्या होते हैं? इस स्टोरी में दिया गया है फेरोज का मतलब इजिप्ट यानी कि प्राचीन समय के लोग। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, क्या थे मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या किसके वर्शिप थे? मैटेरियल, एथिक्स, ब्रदर्स या इक्वालिटी, क्या थे? मैटेरियल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, महात्मा गांधी चीफ वेपन्स के रूप में किस चीज के यूज क्या करते थे? स्वॉर्ड्स, न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का यूज क्या करते थे। महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, कौन से आर्टिकल लिखे? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग भारत या यंग इंडिया, तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी कि यंग इंडिया। द पीपल ऑफ यूरोप वॉज इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स, तो कौन से? ब्रिटिश, ग्रीस, ग्रीक, जर्मन, इंडियन, कौन से होंगे? ग्रीक यानी कि ऑप्शन नंबर बी।